मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुई सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद से सिवान में भी अब राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के नेता सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिए थे और आज सिवान के जिला कलेक्ट्रेट पर सभी आरजेडी के नेता धरना पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो आइए सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट के पास, हमारे संवाददाता चंदन कुमार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आरजेडी ने जो बच्चों की मौत हुई है चमकी बुखार से उस पर हल्ला बोला है। चमकी बुखार से हुई सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद से अब सियासत तेज हो गई है और सिवान के जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, विधायक सत्यदेव सिंह हैं और बिहारी चौधरी जो पूर्व मंत्री हैं, इनके साथ तमाम यहां पर आरजेडी के नेता हैं जो चमकी बुखार से हुई मौत को लेकर, बच्चों पे जो सियासत हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे ये धरना पे बैठे हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिवान जिले के ही रहने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके गृह जिला में भी जो स्थिति सदर अस्पताल की है वो भी बद से बदतर हालत है और जब मुजफ्फरपुर वो जाते हैं तो एम्बुलेंस जब उनके सामने होती है तो उस एम्बुलेंस को रोक करके और उनकी गाड़ी को निकाली जाती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी मौजूद हैं, धरना चल रहा है यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार, जिसका जीवन में जितना हमारा उम्र हुआ इस बार सुनने को मिला कि चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु मुजफ्फरपुर में हो रही है। अब ये मुजफ्फरपुर ही नहीं, अन्य जिला में इसका प्रसार हो गया है। सरकार जो है इसको रोकने में विफल है और समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। किसी तरह के इस रोग को रोकने के लिए उचित क्या दवा होनी चाहिए, उस तरह के दवा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। पूरे केंद्र के जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी आए और आज में तो यहाँ के मिनिस्टर मंगल पांडे जी हैं जो सिवान के रहने वाले हैं, तमाम लोग क्या कर रहे हैं, आए गए, लेकिन यह जो है बच्चों की मृत्यु दर जो है बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, आपराधिक घटनाएं हो रही है। इधर ही कुछ रोज पहले सिवान जिला के अरकपुर में एक व्यवसायी को दिन दहाड़े उसके जेवरात को लूटा गया है और उनको और उनके बच्चे को गोली मारी गई है। वो आज मौत से, ज़िंदगी से गोरखपुर में संभवतः इलाज में गए हैं, जूझ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आपराधिक घटनाएं घट रही है, राहजनी हो रही है, बहुत तरह के बातें हो रही है, हीनियस क्राइम हो रहे हैं और यहाँ जो बिहार में सरकार है वह सिर्फ बाहबई लूटने के लिए ये अपने बात को जनता के बीच प्रचारित प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, जल स्तर वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया है। जो किसान है वो तरस रहे हैं, सिंचाई के अभी तक कोई साधन नहीं किया गया है। किसानों के जो मेहनत से गेहूं उपजाने का काम उन लोगों ने किया, गेहूं उनके घर में है, लेकिन यह सरकार अभी तक गेहूं खरीदने का काम नहीं की है। जबकि अब जो है बारिश होगा या स्वयं जो है किसान अपने मेहनत से निजी सिंचाई से फसल धान के लगाने का काम करेंगे, ना बीज ना खाद ना सिंचाई की व्यवस्था, ये किसी तरह के इंतजाम नहीं है। ये तमाम सरकार के विफलताओं के खिलाफ प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने यह निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कलेक्ट्रेट के समक्ष
एक दिवसीय धरना देगी और अपने बातों को रखेगी। और यहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से चाहेंगे कि जो हम मांग पत्र दे रहे हैं उस मांग पत्र को वो गवर्नर साहब को भेजें, और हम लोग एक कॉपी अपने प्रदेश कार्यालय को भी भेजेंगे, और प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण महामहिम राज्यपाल को उस जो मांग है उसको देने और पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल विफल है, किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है, ना ये लोग कर पाएंगे, सिर्फ ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज आगाह करती है कि अगर इस तरह के विधि व्यवस्था गिरती रहेगी, इस तरह के आपराधिक घटनाएं होंगे, इस तरह हेल्थ के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होंगे, तो हम बैठे नहीं रहेंगे, पूरे जनता को जगा करके जन आंदोलन करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे, आज जो बैठक चल रही है, क्या आखिर क्यों ऐसा लग रहा है, मीडिया को क्यों रोक दिया गया मुजफ्फरपुर में? आपके मंत्री जब जाते हैं, बिहार सरकार के मंत्री जाते हैं, जो केंद्र के अश्विनी चौबे हैं, वो मीडिया से भागते नजर आए, यहाँ तक कि उन्होंने माफी तक मांगी मीडिया से, सॉरी मुझे छोड़ दीजिए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इतने बच्चों की मृत्यु जो हो रही है बड़े पैमाने पर, ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी प्रत्येक साल आती है मुजफ्फरपुर में, और यह सीजन आने के पहले या अगर सरकार इसकी व्यवस्था की होती, सरकार समुचित पर्याप्त रूप में अस्पताल में दवाइयां इंतजाम और व्यवस्था की होती, तो इस साल जो बच्चे मरे हैं ये संख्या नहीं बढ़ती, नहीं मरते, दो चार पाँच की मृत्यु पर भी सरकार को गंभीर संज्ञान में लेना चाहिए। और इसको प्रत्येक साल होती है उसको नहीं चेता, इस साल व्यवस्था करनी चाहिए, दो चार पांच बच्चे मरे तो सरकार इंतजार कर रही थी कि 100-150 मरे तब मैं पुछार करने के लिए जाऊं। और सरकार जब गई वहां पर, लोगों का आक्रोश भी फूटा, लोग खदेड़े वहां से, लोग इनको हाय हाय का नारा लगाए, नीतीश वापस जाओ का नारा लगाए, मंत्री गए उनका विरोध किया, या इसीलिए कि जनता रिएक्शन में है, जनता दुख से मर रही है, और ये जो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मीडिया जाएगी तो जनता की भावनाओं का सामने आएगा, इसलिए ये लोग बचना चाह रहे थे, यही कारण है। और जो सिवा बिहार मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के कई जिलों में, सिवान में आपने देखा, हमको लगता है कि तीन अब तक जो है मौत, कल छोटपुर के एक बच्ची की मौत हो गई, गोरखपुर में चल रहा था इलाज, तो इस तरह से अब सिवान में भी फैल रही है। अभी भी सरकार नहीं चेत रही है, कोई तरह का खोज पहल नहीं कर पा रही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लू से लग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई पूरे बिहार में, आपको जल का संकट है, आपको जो है विधि व्यवस्था गिर रही है, जो शासन प्रशासन पर कहीं अंकुश नहीं है, आए दिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और सरकार का कोई बात नहीं, यही सुशासन है, यही अच्छे दिन है। अब जनता जो है भले ही है चुनाव में अपना साजिश करके, लोगों को धोखा दे करके, जुमला दे करके और लोगों को गुमराह करके ये वोट लेकर के जीत गए हों, लेकिन जनता इनके खिलाफ नहीं है, खिलाफ है, और जनता सब ये सब त्राहिमाम कर रही है, इसलिए बेरा आएगा, समय आएगा, जनता समझेगी बात को और समझ करके जवाब देने का काम करेगी। आज जो है विधि व्यवस्था खराब है, चापाकल का पानी नहीं निकल पा रहा है, सुग्रह स्वस्थ पेयजल का संकट है, इन सारे तमाम अस्पतालों की दयनीय स्थिति हो गई है, कहीं कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, अभी भी कहीं सुधार का ऐसा संकेत नहीं नजर आ रहा है, इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसके चलते राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना किया है, और आगे भी अगर ऐसा होते रहा तो चरणबद्ध आंदोलन करने का हम लोग मजबूर होंगे और करते रहेंगे। विधायक जी, आप लोग बराबर विधानसभा में जाते हैं, सत्र में शामिल होते हैं, क्या कभी आपने आवाज नहीं उठाया इस तरह से जो चमकी बुखार से मौत हो रही है, कि अगर सरकार, केंद्र सरकार चाहती तो हेलीकॉप्टर उतार सकती थी, बच्चों को दिल्ली ले जाकर के इलाज कराया जा सकता था, बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, कभी इस पे आपने आवाज उठाई? मैंने तो बहुत बार स्वास्थ्य पर प्रश्न उठाया कि केंद्र सरकार ने 5 एम्स के स्थापना के लिए मान्यताएं दे दी है, और मैंने जमीन भी उपलब्ध करा दिया, उस कॉपी भी चली गई, मैंने बार बार विधानसभा में प्रश्न किया, हमारा मंत्री इस जिला का है मंगल पांडे जी, लेकिन उसका सोच जो है जन विरोधी सोच है। मैंने कहा कि आपके पास डॉक्टर नहीं है, जो चिकित्सा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, पीएससी इसको बोलते हैं,
पूरे बिहार के पीएससी तालाबंदी के शिकार है। जो राजकीय चिकित्सालय हैं, अनुमंडल चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय है, उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर भी है तो रशियन डॉक्टर है और नियोजित डॉक्टर है, रशियन डॉक्टर से हमारा कंपाउंडर बेटर है। अब उन लोगों को यहाँ दिया गया है, वह जिला का जो हॉस्पिटल है उसमें ये डॉक्टरों का एक सूत्रीय काम हो गया है। जो गांव के हॉस्पिटल से रोगी आता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और पटना में जाने के बाद क्या है, मुजफ्फरपुर में क्या है, स्थिति इतनी दयनीय है कि ये जो डॉक्टर हैं उनका प्राइवेट नर्सिंग होम है, खाना पूरी करके चले जाते हैं, कौन मरा कौन जिया कोई लेना देना नहीं है। और सरकार जो है, बिहार सरकार का मंत्री जो है विदेशी टूर में है, विदेश टूर करता है। अभी हम लोग चमकी पर बैठक किए हैं कि चमकी से हमारे बच्चे बहुत मर गए हैं, ये समय हमारे बच्चे मर रहे थे। बिहार का स्वास्थ्य मिनिस्टर कनाडा गया था, कनाडा से जब घूम कर आता है तो पटना से मुजफ्फरपुर 70 किलोमीटर है नहीं जाता है और दिल्ली चला जाता है। और जब इस 125 संख्या पार कर जाती है तो ये बातें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी आते हैं, बिहार का मंत्री जाता है मंगल पांडे जी और सनी चौबे जाते हैं। जब पत्रकार जाता है तो भागते हैं, कारण कि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इन्होंने जनता को गुलाम माना है और गुलाम समझ कर के साथ जो गुलाम के साथ व्यवहार किया जाता था वो अख्तियार कर रहे हैं। मूल प्रेस वाले जनता चाहती है कि हमने आपको बहुमत देकर सरकार बनाया है और आपने मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो इनका एक ही मात्रा है, जनता से वोट लेने के बाद जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अगर आप जीते हैं तो अपने कर्मों से, अगर आप मरते हैं तो अपने कर्मों से। तो विधायक जी, ये माना जाए कि आने वाले समय में आप लोग इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतरेंगे? बिल्कुल, इस इशू को लेकर विधानसभा से लगाए हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम पूरे बिहार को बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सारे भारत देश का विपक्ष जो है पूरे देश को बंद करेगा। काहे कि ये देश जो है नरेंद्र मोदी के बाबूजी के नाम से बैनामा नहीं है और बिहार जो है नीतीश कुमार के बाप के नाम से बैनामा नहीं है कि जो चाहेंगे 10 करोड़ जनता के साथ खलवाड़ करेंगे और 10 करोड़ जनता जो है इसको देखती रहेगी। बिहार की मिट्टी से मिट्टी का अनुभव हमारे नरेंद्र मोदी को नहीं है, नीतीश कुमार को है। जब जब ही देश पर आफत आया है, देश को नेतृत्व की जरूरत पड़ा है, बिहार आगे बढ़ के छलांग मरा है, आज देश को दिशा दिया है। आज हमें बहुमत नहीं मिला, इस राज्य की जनता ने बेईमानों के चक्कर में, पलटू राम के चक्कर में, झूठी घोषणाओं में आकर के उन्हें सत्ता दे दिया है। लेकिन आपको याद होना चाहिए पत्रकार जी, जब जब ही केंद्र में बहुमत ज्यादा मिलता है उसकी सरकार की दुर्दशा होती है। याद करिए इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी 77 के बाद 80 में अजय बहुमत प्राप्त किया, परिणाम देखने को मिला। विश्वनाथ प्रताप को मिला, परिणाम देखने को मिला। जनता पार्टी को मिला, परिणाम देखने को मिला। इन नरेंद्र मोदी बेईमान को मिला है, इसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। वह दिन दूर नहीं है कि सर देश में गृह युद्ध न हो जाए, गृह युद्ध की तैयारियां चल रही है। और राष्ट्रीय जनता दल जनता के भावनाओं का कदर करती है। आपने जो मुझे वोट नहीं दिया, हम आपके फैसला का स्वीकार करते हैं, लेकिन आप पर अगर जुल्म होगा तब बढ़ करके हम विरोध करेंगे, जुल्मियों का जो है नकाब उतार देंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो दो हाथ करने के लिए भी हम रोड पर आ जाएंगे। फिर और भी लोगों से बात होगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे चमकी बुखार पर जिस तरह से आरजेडी सिवान ने मोर्चा खोल दिया है, नीतीश कुमार हाय हाय के आप देख सकते हैं नारे लग रहे हैं तमाम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आक्रोश है। लोगों में तो आक्रोश है ही, आरजेडी के लोगों में भी काफी आक्रोश है। और स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। तमाम ये आरजेडी के लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, अपने कैमरामैन से कहेंगे सामने की तरफ आएं और एक बार से दिखाएं कि नीतीश कुमार हाय है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, बिहार सरकार हाय है के नारे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं चमकी बुखार से जिस तरह से मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई उसको लेकर के अब राजनीतिक सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई है, और इसी को लेकर के कुछ और भी लोगों से हमारी बातचीत होगी कि उनका क्या कहना है। आरजेडी के कई लोगों से बातचीत हुई, साफ तौर पर हालांकि जिस तरह से सत्यदेव राम ने अपनी बात को रखा है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार से जो मौत होने का जो सिलसिला आज भी जारी है, क्या आने वाले समय में सरकार उस पर कुछ पहल करती है या फिर इसी तरह बच्चों की मौत होने की संख्या बढ़ती ही रहेगी।
तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से आरजेडी के लोग यहां पर धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। हमारे साथ लीलावती गिरी यहां पर आरजेडी के नेत्री हैं, बराबर ये लोग कोई भी अगर मुद्दा होता है तो उस पर ये लोग सड़क पे उतरते रहते हैं, जनता के हित के लिए अग्रसर ये लोग खड़े रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, लगभग 200 से ऊपर बच्चों की मौत हो गई और सरकार अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रही है, क्या कहना है आपका? मुझे कहना है जिन माताओं का गोद सुना होगा, सुना हुआ है, वो हम माताएं इस दर्द को समझ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को यह अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि यह सरकार कान में तेल डालकर सोई है और मासूम बच्चे हमारे मर रहे हैं, गरीब के बच्चे मर रहे हैं जिनको इलाज की पैसा नहीं है और सरकार बिल्कुल बिल्कुल सोई हुई है। और जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ तक कि पारासीटामोल भी नहीं है, वहाँ के डॉक्टर भी इस बात की खुलासा कर चुके हैं। तो बड़ी ही दुखद घटना है और मैं इसको निंदा करती हूँ इसका, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग करती हूँ कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। जब उनसे यह बिहार नहीं चल रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य नहीं सुधार रहे हैं, आए दिन मर्डर डकैती चोरी की घटनाएं हो रही है, वहाँ पर पटना में ही व्यवसायियों का 6 करोड़ से ज़्यादा का आभूषण लूटा गया, तो अब सिवान में बिहार में बिल्कुल विधि व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल विधि व्यवस्था खत्म है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो आपने देखा कि ये लीलावती गिरी थी, ठीक इसी तरह से हम चमकी बुखार पर जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है मुजफ्फरपुर में, उन मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या है होता है, क्योंकि अब जो विपक्ष है आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN Live।